हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके साथ लेकर आई हूँ सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस को। इसके पहले हमने स्टडी किया है क्या होते हैं कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस अ वर्ड यूज फॉर जॉइनिंग टू सेंटेंसेस और टू वर्ड्स। दो वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उन्हें कंजंक्शंस कहते हैं। इसके अलावा हमने देखा है काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस, कितने टाइप के कंजंक्शंस होते हैं। मेनली टू टाइप्स के कंजंक्शंस होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस और इसी में दूसरा है सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस जो ग्रामेटिकल यूनिट्स को आपस में जोड़ते हैं, जैसे नाउन और नाउन, एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स और एडवर्ब्स, इस तरह के। जैसे मैन एंड वुमेन गैदर्ड इन अ मीटिंग, इस सेंटेंस में मैन और वुमेन दोनों ही क्या है? नाउन्स है। तो दोनों को आपस में जोड़ने वाला वर्ड कंजंक्शन हमने यूज़ किया इसमें एंड। तो ऐसे ही कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस और भी होते हैं, जैसे एंड, बट और, फॉर, स्टील, येट, सो, नॉर, नीदर, एज वेल एज अदरवाइज, इस तरह से। इसके अलावा को रिलेटिव कंजंक्शंस हमने देखे थे क्या होते हैं। को रिलेटिव कंजंक्शंस जो आपस में एक फ्रेजेस का युग्म होता है, जो दो वाक्यों का आपस में पेयर होता है और सेंटेंसेस में उसको एज अ पेयर यूज किया जाता है, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, इस तरह से। और इनका आपस में संबंध होता है, जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं और दोनों का ही आपस में संबंध होता है, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, वेदर और, बोथ हैंड, दो, यट, इस तरह से। इसके अलावा होता है कंपाउंड कंजंक्शंस। कंपाउंड कंजंक्शंस जो वाक्यांश के रूप में प्रयुक्त होते हैं, या फिर उनको हम जैसे कह सकते हैं कि एज अ फ्रेज यूज़ हो रहा है, जैसे इन ऑर्डर दैट, इन कंडीशन दैट, इफ, एवन इफ, सो दैट, प्रोवाइडेड दैट, और भी एज दो, एज मच एज, एज वेल एज, एज सून एज, एज इफ, लाइक दैट। तो ये सारे थे हमारे कंपाउंड कंजंक्शंस। इतनी जल्दी आप लोगों को इसे समझ में नहीं आएंगे, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियोस की लिंक डाल रही हूँ, तो आप वहाँ जा करके उसे देख लीजिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे सारे। और इसके बाद वाला हमारा ये लास्ट वीडियो है कंजंक्शन का, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। में कोशिश करूँगी अगर आपको ये पूरे समझ में आ जाते हैं तो मैं एक सीरीज आपके लिए क्वेश्चंस वाली भी लेकर आऊँ, जिससे आपको सारे ही कंजंक्शंस कंबाइंड रूप से मिल जाए। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इज वन दैट जॉइन टू क्लाउजेज और अनइक्वल रैंक। अनइक्वल रैंक के टू क्लाउजेस को जोड़ना। क्लाउजेस क्या होते हैं? मीन्स दो वाक्य होते हैं छोटे छोटे, और उनको आपस में जो कंजंक्शन वर्ड जोड़ता है वो होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। इसको हिंदी में समझ सकते हैं हम कि किसी उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य से जोड़ने वाला शब्द, जिस पर संपूर्ण अर्थ प्रदान करने के लिए आश्रित होता है। और संपूर्ण अर्थ किस पर आश्रित होता है? मेन क्लॉज पर आश्रित होता है। मेन क्लॉज मतलब पहला वाक्य, है ना? मेन क्लॉज पहला भी हो सकता है और दूसरा वाक्य भी हो सकता है। तो दोनों वाक्यों में से जो मेन अर्थ प्रदान करता है वाक्य को, वो होता है हमारा मेन क्लॉज। और मेन क्लॉज से जुड़ा होता है जो कंजंक्शन, उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। या तो वर्ड हो सकते हैं या फिर ये फ्रेजेस में भी हो सकता है। ऐसे समझ नहीं आ रहा हो तो एग्जाम्पल से देख लीजिए आप लोग किस तरह से। जैसे ये वर्ड है आफ्टर। आफ्टर मतलब होता है बाद में। द ट्रेन स्टार्टेड आफ्टर द इंजन वॉज रिपेयर्ड। तो रेल शुरू हुई इंजन के रिपेयर होने के बाद। तो यहाँ पर जो हमारा पहला वाक्य है उसका पूरा पूरा अर्थ डिपेंड कर रहा है दूसरे वाक्य पे। इंजन रिपेयर होने के बाद ही ट्रेन स्टार्ट हुई, तो यहाँ पर आफ्टर जो है हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। इसके बाद देखिए एग्जाम्पल ऑल्दो। ऑल्दो का अर्थ होता है यद्यपि। ऑल्दो वी इन्वाइटेड हिम पर्सनली ही डिड नॉट कम। यद्यपि हमने उसे पर्सनली इन्वाइट किया था फिर भी वह नहीं आया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी का। ही डिड नॉट कम ऑल दो ही वॉज फ्री। वह फ्री था फिर भी नहीं आया। यद्यपि वह फ्री था फिर भी नहीं आया। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स कुछ इस तरह से मैंने दो तरह से आपको बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट इसमें एज। एज का अर्थ होता है जैसे कि। डू एज आई टेल यू, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, है ना? और एग्जाम्पल देखिए एज का। As he was not there, I spoke to his brother. जैसे कि वो वहाँ नहीं था, मैंने उसके भाई से कह दिया। तो यहाँ पर जैसे कि के अर्थ में as का यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है because he ran away because he was afraid. वह भाग गया क्योंकि वह डरा हुआ था। अब वह भाग गया, इसका अर्थ किस पर डिपेंड कर रहा है? because पर डिपेंड कर रहा है। और वह ये जो दूसरा वाक्य है, वह डरा हुआ था इसलिए भाग गया। तो दूसरा वाक्य पहले वाक्य का अर्थ दूसरे पे डिपेंड हो रहा है। और इसमें हमने कंजंक्शन नेट किया है बिकॉज। द मैच वॉज पोस्टपोन्ड बिकॉज इट बिगिन टू रेन। मैच पोस्टपोन्ड हो गया क्योंकि रेन शुरू हो गई थी।
बारिश शुरू हो गई थी इस तरह से। देखिए ऐसे ही बिफोर वी रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्ड, हम ट्रेन पहुंचने के पहले ही स्टेशन पहुंच गए। ये सारे ही कंजंक्शंस आपने पहले देखे हैं, सुने हैं, पढ़े भी हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये सारे कंजंक्शंस सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कहलाते हैं, क्योंकि इनका यूज़ किस तरह से हो रहा है। इनका यूज़ ऐसे हो रहा है कि इसमें दो वाक्य हैं और दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड करता है, और उन दोनों वाक्यों को जोड़ने वाले ये जो कंजंक्शंस हैं ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। इसके पहले हमने जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस में ऐड किए थे वो भी वन वर्ड थे, एंड बट और यॉट, लेकिन वो दो ग्रामेटिकल यूनिट्स को ऐड कर रहे थे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे सेंटेंसेस, अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है कोऑर्डिनेट और रिलेटिव, कंपाउंड और सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस में। नेक्स्ट है इफ़, इफ़ यू ड्रॉप इट इट विल ब्रेक, अगर तुम इसे छोड़ोगे तो यह गिर जाएगा। यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड, तुम पास हो जाओगे अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो। नेक्स्ट है लिस्ट, लिस्ट का अर्थ होता है नहीं तो। डोंट गो आउट इन द रेन लेस यू शुड कैच द कोल्ड, रेन में बारिश में बाहर मत जाओ नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी, इस तरह से। सिंस, यहाँ पर हमने सिंस का देखिए, बहुत लोगों को ये अर्थ समझ में आता होगा। सिंस को हम टाइम के लिए यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो यहाँ पर हम एज अ टाइम यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसको हम अर्थ में यूज़ कर रहे हैं कारण, क्योंकि सिंस ही वॉज इल ही कुड नॉट कम टू स्कूल, क्योंकि वह बीमार था इसलिए वह स्कूल नहीं आया। कुछ और कंजंक्शंस देखते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के, कुछ एग्जांपल्स हो रहे हैं हमारे पास। जैसे यहाँ है दैट, दैट को एज अ डिटर्मिनर भी हम यूज़ करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटर भी यूज़ करते हैं, तो दैट का यहाँ पर यूज़ हुआ एज अ कंजंक्शन और यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हो रहा है। जैसे आर्या सैड दैट अर्नबी वॉज एट होम, आर्य ने कहा कि अर्नबी घर पर थी, तो यहाँ पर दैट की के सेंस में यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है दो, दो मीन्स यद्यपि होता है, ही फिनिश्ड फर्स्ट दो ही बिगिन लेट, उसने सबसे पहले ख़त्म किया जबकि वह उसने देर से शुरू किया था। इसके बाद है टिल, टिल का अर्थ हम लेते हैं तक में, समय के लिए। विल यू वेट टिल आई रिटर्न, क्या तुम मेरे आने तक इंतज़ार कर सकते हो। देन टी एच एन देन, देन का अर्थ होता है कंपेरिजन के लिए, देन। ठीक है, ही राइट्स बेटर देन ही स्पीक्स, वह बोलने से ज़्यादा लिखता अच्छा है, इस तरह से। नेक्स्ट है अनलेस, अनलेस का अर्थ होता है जब तक कि नहीं। आई वॉन्ट गो टू द मीटिंग अनलेस आई एम इन्वाइटेड, मैं मीटिंग में तब तक नहीं जाऊँगा जब तक कि मुझे बुलाया ना जाए। एक और देखिए अनटिल, अनटिल का अर्थ भी होता है जब तक कि। आई वेटेड फॉर माई फादर अनटिल ही कम, मैं अपने पिताजी का इंतजार कर रहा था जब तक कि वे नहीं आए। वैन, वैन का अर्थ कब होता है, अब इसको देखिए किस तरह से यूज़ करते हैं हम। वी वर शॉक्ड वैन वी हर्ड द न्यूज़, जब हमने न्यूज़ सुनी तो शॉक्ड हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। नेक्स्ट है वर, वेयर, टेल मी वेयर यू हैव पुट माई वॉच, बताओ तुमने मेरी घड़ी कहाँ रखी है। वेयर, टेल मी, मुझे बताओ, वेयर यू हैव पुट माई वॉच, तुमने मेरी घड़ी कहाँ रखी है। हाउ, कैसे, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ इट ऑल हैपन्ड, मुझे नहीं पता यह सब कैसे हुआ। और लास्ट है इसमें वाई, आई नो नॉट वाई ही लेफ्ट अस, मुझे नहीं पता उसने क्यों छोड़ दिया। देखिए आप खुद ही देखिए कि ये सारे जो वर्ड्स हैं इनको हम एज अ इंटरोगेटिव वर्ड यूज़ करते हैं WH फैमिली को, और इसमें से कुछ है जिनको हम एज अ डिटर्मिनर यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इन सभी वर्ड्स को एज अ कंजंक्शन यूज़ कर रहे हैं और ये दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहे हैं। पहला उपवाक्य दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, तो मेन क्लॉज पर डिपेंड कर रहा है, इन कंजंक्शंस के थ्रू इनको हम ऐड करें तो ये सारे होते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। तो फ्रेंड्स, मैं समझती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट, कंपाउंड, कोरिलेटिव एंड सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। और मैं चाहती हूँ अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं कि आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। पिछले वीडियोज़ की सीरीज़ को देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर उन्हें देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।